हमारे बीच में हमारी भाभी आदरणीय मंजू जी हैं, हमारे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अलोक जी की धर्मपत्नी हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। एक बार माननीय हर जी को तिलक से अभिनंदन करेंगे और आप सब हर जी और हमारी भाभी बबीता जी को तिलक करके हमारी भाभी मंजू जी एक बार आशीर्वाद दे रही है। एक बार सभी जोरदार तालियों से भाभी जी को भी यही आशीर्वाद दे रही है कि उनके नेतृत्व में हम विजयी हों। मैं एक बार तालियों से उनका अभिनंदन करें, जोरदार तालियों से। भारत माता की, अभी कार्यक्रम को थोड़ा तेज चलाना होगा क्योंकि आदरणीय कृष्ण सिंह धामी जी को अन्य कार्यक्रम में जाना है, तो सीधे मैं आप बुला रहा हूँ हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्री हर्ष मल्होत्रा। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे मुख्य अतिथि जो है, उनके हर्ष मल्होत्रा जी का परिचय कराते हुए मैं कहना चाहूँगा, अति साधारण दिखने वाले हमारे श्रीमान हर्ष मल्होत्रा जी जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, संस्कारी कार्यकर्ता हैं। आप युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष से लेकर प्रदेश महामंत्री तक रहे, निगम पार्षद रहते हुए आप शिक्षा समिति के चेयरमैन और दिल्ली के मेयर रहे और हर पद पर अपनी पहचान बनाई। मैं सीधे आमंत्रित कर रहा हूँ देवदानी श्री हर्ष मल्होत्रा जी को, जोरदार तालियों से अपने लोकप्रिय प्रत्याशी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। और अनुशासन में होगा, थोड़ा पीछे रह कर भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे को यहाँ पर आशीर्वाद देने आए इस मंच पर उपस्थित उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारी बड़ी बहन दिल्ली की सह प्रभारी एवं राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर अलका गुजर जी, मेरे इस चुनाव का प्रभारी के नाते कार्य देख रहे डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, संयोजक श्रीमान महेंद्र जी, सम्मानित मंच और उपस्थित देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मुझे आपके बीच में कोई भाषण नहीं करना है। मैं आप लोगों का सिर्फ आभार प्रकट करने आया हूँ। पिछले एक महीना 18 दिन से आप लोग जिस तरह से मुझे कंधे पे उठाए उठाए घूम रहे हैं, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। इस बार का चुनाव लंबा होने के बावजूद आप लोग पूरे सवा महीने से लगातार जनता के बीच में मुझे लेके जा रहे हैं और आज मेरे नामांकन पर भी आप सब लोग मुझे आशीर्वाद देने आए हैं। मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। भारत माता की जय। एक बारी व्यवस्था की जानकारी दे रहा हूँ, हमारे बीच में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय धामी जी हैं, उनके आशीर्वचन, उनके अनुमोदन के बाद हम सब लोग यहाँ से नामांकन यात्रा शुरू करेंगे। सबसे आगे गाड़ी होगी जिसमें हमारे लोकसभा के संयोजक श्री महेंद्र राव जी रहेंगे, हम सबको उनके पीछे चलना है, उसमें दोनों जिला के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी रहेंगे। जो प्रत्याशी की गाड़ी है उसमें माननीय धामी जी, माननीय अलका गुजर जी, हमारे प्रत्याशी श्री हर्ष मल्होत्रा जी सहपत्नी रहेंगे, साथ में हमारे कृष्णा प्रमुख जनरल जी और मैं रहूंगा और बाकी सब लोग हम पैदल, क्योंकि बहुत ही नजदीक है, 800 मीटर की दूरी है, हम सबको चलना है। अंदर सिर्फ चार लोग जाएंगे, मेरा अनुरोध है कार्यकर्ताओं से अंदर SDM कार्यालय में बाकी लोग नहीं जाए, पर उत्साह के साथ हम सब बाहर जटे रहेंगे और जब तक नामांकन की प्रक्रिया करके धामी जी और हर्ष मल्होत्रा जी बाकी लोग बाहर नहीं आएंगे, हम सब कार्यकर्ता बाहर SDM कार्यालय के रहेंगे। अब मैं आपको दोबारा बता दूं, हम सबको महेंद्र राव जी के पीछे चलना है और मैं सीधा
अब आवेदन जी से कहूंगा कि ब्राह्मी जी को बुलाएं और इस प्रक्रिया का पालन बहुत बड़ा महाजनों होने जा रहा है हमारे नरेंद्र आ गया सबके आदरणीय जिनकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी उपस्थित हैं। आप बहुत बड़ा संयोग है और भैया भारत माता की अब केवल अगले 5-10 मिनट मंच को सुने और अपना जोश उसके बाद दिखाएं। ये अनुशासन के लिए मैं आपको विनती कर रहा हूँ कि बीच में नारे बाद में लगाना जब मुख्यमंत्री जी का उद्घाटन समाप्त हो चुके। मुख्यमंत्री जी को केवल आप अगर उत्तरांचल के मुख्यमंत्री के नाते जानते हैं तो ये परिचय बहुत होता है। एक राष्ट्रवादी कार्यकर्ता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष होकर रहने से लेकर अनेकों साहसी निर्णय जिसके लेने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए ऐसे हैं हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी। समान आचार नागरिक संहिता है। आपको इसीलिए कई बार धर्म पुरुष कई बार साहित्य पुरुष और कई बार भाकड़ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे हमारे यशस्वी नेता हर्ष मल्होत्रा जी को आशीर्वाद देने के लिए विजय श्री का आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मंच पर बोलन देने के लिए अव्यवस्था के कारण वो कष्ट और क्षमा मांग करें। मैं मुख्यमंत्री समारोह में हम सब लोग जिनके समर्थन के लिए और जिनको आशीर्वाद देने के लिए यहां पर एकत्र हुए और आप सबके बीच में से जिन्होंने अपने राजनीतिक सामाजिक जीवन की शुरुआत की है और जो हमारी पार्टी कहती है कि अपनों का नेतृत्व अपनों के बीच से होना चाहिए, जो आपकी तरह हो, आपकी तरह सोचता हो, आपके जैसे जिसके विचार हो, आपके साथ जो कदम ताल करता हो, ऐसे हमारे प्रत्याशी आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी, राष्ट्रीय मंत्री और सह प्रभारी आदरणीय श्रीमती अलका गुर्जर जी, क्लस्टर इंचार्ज विजेंद्र गुप्ता जी, प्रभारी पूरी दिल्ली लोकसभा अनिल गुप्ता जी, लोकसभा संयोजक महेंद्र आहूजा जी, सह संयोजक श्रीमती लता गुप्ता जी, बूथ संयोजक लोकसभा राजकुमार शर्मा जी, विस्तारक लोकसभा नरेश वशिष्ठ जी, रामप्रीत बसोया जी, बूथ प्रबंधन लोकसभा सौरभ शर्मा जी, प्रभारी सादरा जिला श्रीमती योगिता सिंह जी, प्रभारी मयूर विहार ओम प्रकाश शर्मा जी विधायक, श्री अभय वर्मा जी विधायक, श्री अनिल वाजपेयी जी विधायक, संजय गोयल जी अध्यक्ष सादरा जिला, श्री विजेंद्र धामा जी अध्यक्ष मयूर विहार जिला, दिनेश प्रताप सिंह जी उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश, श्रीमती सारिका जैन जी प्रदेश मंत्री, श्री विनोद बच्छेदी जी, इंद्रप्रीत सिंह बक्सी जी, श्रीमती ऋचा पांडे जी अध्यक्ष महिला मोर्चा दिल्ली प्रदेश, ललित निगम जी मंडल अध्यक्ष, श्रीमती अलका राघव जी, दीपक गावा जी, दीपक मल्होत्रा जी, भूषण ठक्कर जी, अर्पणा गोयल जी, रविता त्यागी जी, रीना गगन प्रकाश जी एवं मंच पर उपस्थित हमारे
सभी पदाधिकारीगण, सभी पार्षदगण एवं आज पूर्वी दिल्ली और दिल्ली के आसपास से इस नामांकन समारोह में बड़ी संख्या में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और हर्ष भाई को लोकसभा का सदस्य बनाने के लिए यहाँ आए हुए हमारे दिल्ली के सभी भाइयों बहनों, मैं आप सबका देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते आप सबका अपने हृदय से आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, आज मैं आप सबकी ये ऊर्जा देखकर मैं रास्ते से आ रहा था, जिस प्रकार से जैसे ही गाड़ी रुक रही थी लोग मुझे देख रहे थे और उनके अंदर से जय श्री राम का उद्घोष हो रहा था। तो मैं कह सकता हूं मेरे मन में 1% का भी संदेह नहीं बचा कि हर्ष मल्होत्रा जी को आप सब लोग दिल्ली के इस पूर्वी लोकसभा से भारी बहुमत से जिताकर संसद में भेजने वाले हैं, मोदी जी के हाथों को मजबूत करने वाले हैं। भाइयों बहनों, मैं बाबा बद्री विशाल, बाबा केदार की पावन भूमि और माँ गंगा और यमुना की उद्गम स्थली देवभूमि उत्तराखंड से आप सबके बीच में आज इनके लिए हर्ष जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने आया हूँ। और पूर्वी दिल्ली लगातार भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ के जमाने से गढ़ रहा है। पूर्वी दिल्ली और जमुना पार के इस क्षेत्र ने आजादी के बाद से आज तक लगातार 9 बार भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर दिया है। एक बार फिर से 9 मई को आप सबका आशीर्वाद और आप सबका समर्थन हमारी पार्टी को मिलेगा, हर्ष मल्होत्रा जी को मिलेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी को आप ऊर्जा देने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश विकास की नई नई अवधारणाओं को, नई नई परिभाषाओं को गढ़ने का काम कर रहा है। देश के अंदर चाहे G20 का सफल सम्मेलन आयोजित करना हो, भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना हो, या चंद्रयान 3 की सफलता हो, या आदित्ययान का सफल परीक्षण हो, या हम सब ने देखा कि कोरोना महामारी, जिस महामारी में पूरी दुनिया के देश अव्यवस्थित हो गए, उनकी अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई, इसमें भी दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का काम पूरे देश के अंदर चलाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज पूरा विश्व मोदी जी की जो नेतृत्व क्षमता है, जो प्रतिभा है, जो भारत का डंका बज रहा है, भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। भाइयों बहनों, हम सब गौरवान्वित हैं कि आज भारत विश्व का सिरमौर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, भारत आज दुनिया का नेतृत्व करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आप सब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के प्रधानमंत्री भी मोदी जी को कहते हैं मोदी इज द बॉस। भाइयों बहनों, ये सब आपके एक वोट की कीमत है जिसने आज भारत की तस्वीर और भारत की तकदीर को बदलने का काम किया है। आज भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, ऐसी अनेक योजनाएं जिससे भारत आज आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे आकर्षक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। विश्व की हर कंपनी आज भारत के अंदर आना चाहती है। आज भारत में IIT, IIM, एम्स जैसे विश्व स्तर के अनेक संस्थान, विश्वविद्यालय वृहद गति से आज तेजी से निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस इस तेजी से आगे बढ़ रही है। आपने देखा स्वदेशी ट्रेन, जिसको आज दुनिया के लोग भी लोहा मान रहे हैं, ऐसी नई टेक्नोलॉजी भारत ने आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डेवलप की है। भारत में आज विश्व के उत्कृष्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, चाहे रिंग रोड हो, एलिवेटेड रोड हो, बड़े बड़े हाईवे हो, मेट्रो रेल हो, मोनो रेल हो, अंडर वाटर मेट्रो जैसी परियोजनाएं आज
भारत की पहचान बन रही है। भाइयों बहनों, आज मोदी जी समर्पित भाव से मोदी जी और मोदी जी के पूरे सभी कार्यकर्ता हमारे देश के, मेरे जैसे कार्यकर्ता, हर्ष मल्होत्रा जी के जैसे कार्यकर्ता, आप जैसे कार्यकर्ता समर्पित भाव से भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आपने देखा होगा जो पार्टियां हमारे सामने आज वो किस प्रकार का उनका चरित्र और उनका जो विजन उनका सामने रख रहे हैं वो किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। एक तरफ मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूँ कि देवभूमि उत्तराखंड, जिसको देश की आजादी के बाद पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त हो गया, जहाँ समान नागरिक संहिता एक विधेयक बन गया भाइयों बहनों, और ये हमारी पार्टी का देश की आजादी से लेकर 1950 से आज तक का संकल्प रहा है कि देश के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब लाल चौक पर झंडा फहराने गए थे कि एक देश के अंदर एक विधान, एक प्रधान और एक निशान चलना चाहिए, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। भाइयों बहनों, हम उस दिशा में आगे बढ़ गए हैं जहाँ देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति महोदया की उसमें हमको मंजूरी मिल गई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी और एक घमंडिया गठबंधन के लोग जब अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं तो भाइयों बहनों वो कहते हैं कि हम समान नागरिक संहिता को न मानकर मुस्लिम पर्सनल लॉ को मानेंगे। आप बताइए, मुस्लिम पर्सनल लॉ देश के अंदर लागू होना चाहिए या देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए? भाई बहनों, कर्नाटका में आपने देख लिया कर्नाटका में क्या हो रहा है। एक धर्म विशेष के लोगों को आरक्षण देने का काम हो रहा है और वो आरक्षण किसका काटा जा रहा है? वो आरक्षण एसटी एससी और ओबीसी समाज का आरक्षण काटकर एक धर्म विशेष के लोगों को आरक्षण देने का काम हो रहा है। भाइयों बहनों, ऐसा लगता है इतनी पुरानी कांग्रेस आज ये हताशा और निराशा की ओर चली गई है। ये वोट बैंक के लिए, ये तुष्टिकरण के लिए जो देश की आजादी से लेकर आज तक लगातार इन्होंने जिस काम को बढ़ावा दिया है उस काम को इन्होंने फिर से शुरू कर दिया है। आज वोट बैंक की खातिर ये कहते हैं कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसी बातों को मानेंगे। एक तरफ देश आज आगे निकल गया है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबके प्रयास पर मोदी जी लगातार इस मंत्र पर देश काम कर रहा है। भाइयों बहनों, जब कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र आता है तो ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र नहीं है, ये मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूँ, किसी भी कीमत पर देश के अंदर पहले तो इनकी सरकार ही नहीं आने वाली है। ये जो गठबंधन बना रहे हैं ये गठबंधन कोई सरकार बनाने का गठबंधन नहीं है। भाइयों बहनों, ये जानते हैं आप किस बात का गठबंधन है? ये अपने अपने अस्तित्व को बचाने का गठबंधन है, ये अपने अपने परिवारों को बचाने का गठबंधन है, ये भ्रष्टाचार को छुपाने का गठबंधन है। भाइयों बहनों, ये तुष्टिकरण को बढ़ावा देने का गठबंधन है, ये परिवारवाद को बढ़ाने का गठबंधन है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, किसी भी कीमत पर एसटी एससी ओबीसी का आरक्षण हम खत्म नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया है वो संकल्प पूरा होगा। देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू होगी। देश के अंदर ऐतिहासिक निर्णय मोदी जी के नेतृत्व में हुए, चाहे देश के अंदर धारा 370 समाप्त हुई हो, 3 तलाक का खात्मा हुआ हो, या हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम जिसकी प्रतीक्षा हम लंबे समय से कर रहे थे, अरे भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। भाइयों बहनों, भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन गया। आज दिल्ली के अंदर जो ये कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी ने गठबंधन बनाया है, ये गठबंधन केवल और केवल ठग करने का एक माध्यम है। भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं जो केजरीवाल और उनकी पार्टी तमाम प्रकार के वायदे कर तमाम प्रकार की ईमानदारी का ढोंग रचकर सत्ता में आए, आज वो बेमानी के शराब के घोटाले में आज केजरीवाल जेल में बंद हैं, उनके उप मुख्यमंत्री बंद हैं, उनके दूसरे मंत्री बंद हैं। भाइयों बहनों, इन्होंने कहा था, ये झाड़ू लेकर आए थे कि हम ईमानदारी का झाड़ू लगाएंगे, इन्होंने तो आम जनता की गाड़ी कमाई पर भी झाड़ी लगाने से कोई परहेज नहीं किया है। इसलिए समय आ गया है ऐसे गठबंधनों को जवाब देना है।
आज पूरा देश, मैं दक्षिण के राज्यों में भी गया हूं, मैं कल बंगाल में भी था, मैं देख रहा हूं जहां 45-45 डिग्री तापमान में भी माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग हमारे नौजवान पसीना बहा रहे हैं और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प ले रहे हैं भाइयों बहनों, और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन हमारी बारी आएगी, किस दिन हम मोदी जी के लिए वोट करेंगे, किस दिन हम भारत को विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करेंगे। इसलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूँ कि आप सब लोग ये 25 मई तक जब तक मतदान नहीं हो जाता है आपने पसीना बहाना है, और आपका ये पसीना देश के काम आएगा भाइयों बहनों, आने वाली पीढ़ियों के काम आएगा, हमारे सैनिकों का मनोबल मजबूत करेगा, हमारे देश का मान सम्मान दुनिया के अंदर और मजबूत करने का काम करेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग देवभूमि में चूंकि चुनाव हो गया है और देवभूमि के लोगों ने एक तरफा मतदान किया भाइयों बहनों, कोई पार्टी वहां नहीं थी, इसलिए दिल्ली और देवभूमि का बड़ा गहरा नाता है, इसलिए 7 की 7 सीटों पर दिल्ली में आज कमल फहरना चाहिए। और मैं हर्ष भाई के लिए आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूँ, तो आप सब लोग इनको बहुत ऐतिहासिक मतों से जिताएंगे, और 25 मई को प्रातःकाल, देखिए हर जगह ये बात आ रही है कि मतदान कम हो रहा है, मैं आपसे एक वायदा लेना चाहता हूँ कि आपके यहाँ पर पिछले वर्ष से 10% मतदान ज्यादा होगा, वो जिम्मेदारी आप सबकी है, आप सब जिम्मेदारी लेते हैं ना, लेके जिम्मेदारी आप सब लोग 10% मतदान ज्यादा देगा, तो मुझे पूरा भरोसा है कमल वाला जो बटन है 25 मई को कमल वाला बटन, आप सब लोग इतना दबाइए कि शाम होते होते वो बटन ही अंदर चला जाए भाइयों बहनों, और जब 4 दिन को रिजल्ट निकले तो कमल की लड़िया निकल जाए, कमल की झड़िया निकल जाए। और अभी अभी हमने होली मनाई है, 4 जून को जब प्रधानमंत्री जी दोबारा से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हर्ष मल्होत्रा जी आप सबके सांसद बन जाएंगे, तो हम सब एक नई दिवाली मनाएंगे। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हैं।